हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। आज है संडे, तो आप सभी को हैप्पी संडे। संडे तो होता है पर सभी की छुट्टी होती है, हम लोगों की कभी छुट्टी नहीं होती है। तो बस अभी बजे हैं सुबह के 6:30 और आज ना मैं जल्दी उठ गई थी और मेरे को ना कपड़े भी धोने थे, क्योंकि कल मैं ना कपड़े नहीं धो पाई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कपड़े मैंने चेयर पे निकाल के रखे हैं कुछ, और कुछ जो हैं मेरे अभी रखे हुए हैं साइड में जो हैं, ये मैंने मशीन के अंदर से निकाले थे। तो ना उठते ही मैंने ना सबसे पहले तो पानी गर्म होने लगा दिया बाल्टी में, क्योंकि मैं ना मशीन लगा दूँगी, कपड़े धुलते रहेंगे। तो सबसे पहले मैंने सोचा झाड़ू लगा देती हूँ, जब तक पानी गर्म होगा। और मैं अंदर रूम में जो है ना सारे में झाड़ू लगा के ले आई हूँ। तो अंदर तो मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि ना लाइट ऑफ है, और आराम आराम से जो मैं लगा के ले आई हूँ। वैसे मैं उठ रही थी ना 6 बजे और अक्षु ने मुझे उठने नहीं दिया, तो उसके साथ मैं लेटी रही। लेकिन ना फिर भी वो मेरे उठते फिर उठ रही थी, तो मैं उसे ना हस्बैंड जी के पास जो लिटा के आ गई हूँ। तो मतलब थोड़ा सा वो हिलती है ना, तो उसको लगता है कि हाँ मेरे पास कोई लेटा, तो वो सो जाती है फिर से। तो अभी मैंने झाड़ू निकाल दिया पूरे घर में, और पार्किंग में तो बाद में लगाती हूँ जब पार्किंग खाली हो जाती है। अभी तो पार्किंग में हमारी बाइक और स्कूटी वगैरह खड़ी हुई है ऊपर जो रहते हैं अंकल जी। और यहाँ पे मेरा पानी भी गर्म हो गया था, तो मैं मशीन में भी पानी डाल दूँगी गर्म, और साथ में यहाँ पे कपड़े भी लगा दूँगी, तो कपड़े मेरे जो हैं धुल जाएंगे। और फिर सूखने की भी दिक्कत होती है, तो यूनिफॉर्म भी है सारी का कि कल स्कूल भी जाना है, इसलिए ना सभी सुबह जल्दी उठ गई थी और जल्दी उठ के जो मशीन लगा दी है मैंने। मैंने सोचा क्योंकि ना फिर लेट उठेंगे फिर मशीन लगाऊंगे, तो और सारा काम जो है बहुत ज़्यादा लेट रहता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर तो क्या करती हूँ, जब मुझे कपड़े धोने हो, मतलब एक दिन पहले ही धोती हूँ, संडे को मैं कम ही कपड़े धोती हूँ, शनिवार को ही लगा देती हूँ। तो कल ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तबीयत थोड़ी ऐसी लग रही थी, तो इसलिए मैंने लगाई नहीं थी सारिका के स्कूल के आने के बाद। और कल ना मैंने कोई व्लॉग भी नहीं बनाया था, फ्राइडे का व्लॉग बनाया था वो आपके यहाँ शेयर कर चुकी हूँ, और सैटरडे को मैंने ना कोई व्लॉग शूट नहीं करा था। तो फ्रेंड्स, उसके बाद ना मैं नहा के भी आ गई थी, पानी गर्म था, तो मैंने को हेयर वॉश भी करना था, तो हेयर वॉश कर लिया है। सबसे पहले मैं बनाऊँगी यहाँ पे दूध सारिका के लिए और अक्षु के लिए, क्योंकि वो लोग भी जो हैं उठ चुके हैं अभी, और यहाँ पर दूध बना दूँगी। उसके बाद जो है मैं चाय चढ़ा दूँगी, और उसके बाद फिर हस्बैंड जी को चाय दूँगी, वो तो तभी उठेंगे। और उनको थोड़ा सा लेट से ही दूंगी मैं, अभी उनको सोने देती हूँ जब तक मेरे ना यहाँ जो कपड़े सारे धुल जाएंगे, क्योंकि ना अभी उठ जाएंगे फिर वो वॉशरूम में जाएंगे, और कपड़े धोने में फिर प्रॉब्लम होती है मेरे को, क्योंकि फिर पानी निकलने का और कोई जगह नहीं है, फिर वो पाइप मेरे को हटाना पड़ता है बार बार। और यहाँ पर ये लोग भी उठ चुके हैं, तो देख सकते हैं आप इन लोगों की मस्ती। और फ्रेंड्स, उसके बाद ना मैंने हस्बैंड जी को चाय दे दी थी, वो चाय पी के फिर से लेट गए थे। वो मैं ना फिर सारिका को भी नहला के ले आई थी, सारिका ने अभी ना दूध नहीं पिया है, अक्षु को मैंने पिला दिया था, इसने नहीं पिया है, कह रही मैं नहीं पी रही अभी। तो मैंने ना चलो नहा लो फिर, क्योंकि फिर हस्बैंड जी जाएंगे, वो कम से कम 1 घंटे से पहले निकलते नहीं हैं, और तो मैंने ना इसलिए पहले उसको नहला दिया, उसका भी हेयर वॉश कर दिया है। तो यहाँ पे अभी मैं उसके ड्राई वगैरह कर दूँगी, क्योंकि ना ठंड है ना, फिर ठंड उसको चढ़ जाती है, इसलिए तो उसके ड्राई कर दिए थे मैंने हेयर। और उसके बाद मैंने अभी अपना जो है हेयर वॉश करके आई थी, ऐसे टॉवल में लगा के घूम रही थी, अभी तक मैंने अपने कॉम नहीं करा, इतनी देर से चाय वगैरह सब बना लिए मैंने, उसके बाद अब अपनी मैं यहाँ पर कॉम वगैरह जो है वो करूँगी। और आज जो है ना सारे काम मेरे मतलब जल्दी ही हो गए, बस अब नाश्ते का काम बचा है जो मैं करूंगी अभी। तो आलू तो मैंने बॉईल होने रख दिए थे, आलू मेरे बॉईल हो चुके हैं, जब तक मैं अपने जो है यहाँ पे हेयर ड्राई कर लूँगी। और अक्षु ना ड्रायर चलाते हैं ना बहुत ज़्यादा डरती है, जैसे ड्रायर चलाना वहाँ कोने में जाके बैठ जाती है, तो अभी भी ना वो डर रही थी। और यहाँ पे मेरे चेयर पे जो कुछ कपड़े भी रखे हुए हैं जो फोल्ड करने को हैं, जो रैक पे पड़े हुए थे वो मैंने उतार के यहाँ रैक पे से रख दिए थे, क्योंकि अभी जो कपड़े धोऊंगी फिर वो सुखाने की जगह नहीं बचेगी, इस वजह से मैंने जो उतार दिए थे। और अभी मेरे कपड़े भी ना सारे धुल चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, अभी बज गए हैं 9:30 और मेरे कपड़े वगैरह सब धुल गए हैं, सारी का भी नहा लिए, रहने दो गुरु, सारे कपड़े धुल गए हैं मेरे, और सारी को भी मैंने नहला दिया था। और मैंने पहनते तो पहने ही नहीं, पहन लो। और अक्षु है ना
ये देखो अक्षु को नहीं दिलाऊंगी बाबू, देखना ही गिर ना जाए, देखो इसे पकड़ना एक बार। अक्षु को मैंने कल नहीं लाया था, आज नहीं नहलाऊंगी। और ना सुबह जब मैं उठी थी ना, बारिश हो रही थी, मतलब बारिश कब हुई थी ये नहीं पता, जब मैं उठी ना तो बिल्कुल हल्की हल्की सी हो रही थी और रोड ना गीला हो रखा था। और ये देखो मेरे कपड़े कितने सारे, ये सारे धुले हुए हैं, सुखाने हैं बाकी हैं, सुखाए नहीं है मैंने, अभी सारे इनको सुखाऊंगी। मैं भी नहा ली हूँ, हो गई रेडी। ये देखो हेयर भी मैंने ना ड्राई कर लिया अपने, क्योंकि ठंड। हाँ ओ, और ये कपड़े जो मेरे रैक पे पड़े थे वो उतार के रख दिए, इनको फोल्ड करेंगे। पहले बेड ठीक कर लेती हूँ। मुझे पापी बोल रही है और मैं सुबह उठी थी 6:30 बजे, लेकिन फिर भी ना ये उठने नहीं देती, उठ गई साथ में, कितनी देर से सुला रही, सो नहीं रही। फिर इसके ना मैं पापा को देके गई हूँ, तब जाके मैंने अपने काम में लगी हूँ जाके, तब भी करते करते मैं लेट। और ये सोई थोड़ी ना, मतलब थोड़ी देर सोई है फिर उठ गई है, ये कब से उठी हुई है, ये बंदर ही है मेरी छोटी सी। ओए क्यों मार रहे हो उसको, क्यों मार रहे हो मेरे बच्चा को। और ले लाइट भी चली गई, लाइट गई अब। हाँ ये देखो फ्रेंड्स लाइट चली गई हमारी, ये सारा अंधेरा हो गया। हाँ बस एक ये बल्ब है जो मेरा चार्जिंग वाला है, इस वाले रूम में वो जल रहा है। कपड़े सुखाऊंगी अब, देखती हूँ लाइट कब आएगी पता नहीं। क्या बोल रहे लाइट आ गई फ्रेंड्स, देखो तुरंत आ गई, गई है 5 मिनट पे बाद ही आ गई है। अभी मैं यहाँ बैठ गई हूँ थोड़ी देर, पैर बहुत ठंडे होंगे, फिर ना ये ब्लैंकेट से कैसे समेटूंगी और फिर नाश्ता वगैरह बनाएंगे। चाय तो पी ली है और अक्षु को भी दूध पिला दिया है, सारिका को भी पिला दिया है। और फिर मैं बनाऊंगी आलू के पराठे, मैंने ना आलू उबाल लिए, आलू के पराठे बनाऊंगी, आलू छीलने बाकी उबले रखे हुए हैं। हाँ आज पापा बोलो, आज पापा शेफ नहीं बनेंगे। पापा शेफ पता नहीं, पूछ ना पापा शेफ बनेंगे तो पापा बन सकते हैं, पूछ क्या पापा शेफ बनोगे आज या मम्मा शेफ बनेगी आज। क्या बोल रहे हैं, तो मैं नहीं बनाऊंगी, इसके पापा बनाएंगे नाश्ता। कह रहे मैं बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गई थी अपने कपड़े सुखाने के लिए, तो पहले सारे छोटे छोटे कपड़े जो है ना वो मतलब जो नीचे वाले रैक है, मतलब स्टैंड पे है ना नीचे, वहाँ सुखाऊंगी छोटे छोटे, और ऊपर में सारे जो है बड़े बड़े कपड़े सुखा देती हूँ। और अक्षु अपने काम में लगी हुई है, देखो कैसे कपड़े फेंक रही है। मैंने चेयर पे ना कुछ कपड़े रख दिए थे अलग से, वो अलग मतलब इस पर नहीं सुखाऊंगी मैं, हटा दिए थे वहाँ पे से, क्योंकि जैसे सारिका की यूनिफॉर्म वगैरह ना वो अलग से मैं डाल दूंगी, नहीं सूखेगी तो ना फिर वो ड्रायर से थोड़ा सुखाना पड़ता है मेरे को। तो अक्षु देखो कैसे इधर उधर फेंक रही है कपड़े, मैं सुखा रही थी रैक पे और वो ना उठा उठा के इधर उधर फेंकने में लगी हुई थी अपने काम में। ये पापा की टोपी लेके घूम रही है गौरी, आवाज कम कर। ये देखो ये पापा की टोपी लेके घूम रही है, गीली है, अपने पापा को टोपी देने आई है। ये छुका दो उधर, उधर छुका दो, नहीं पहन लो, कह रही है पहन लो, गीला है गीला है। कपड़े सुखा रही हूँ और ये ना नाश्ता बनाएंगे, नाश्ते में किचन में घुस गए हम, कह रहे मैं बनाऊंगा। ऐसे करती है
और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आलू के पराठे जो हैं रेडी हैं। ये बनाए हस्बैंड जी ने, आज मैंने नहीं बनाया। और सारिका यहाँ पे जो है नाश्ता कर रही है, और अक्षु ये देखो यहाँ पे अपने करने लग रही है स्टंट। और नाश्ता वगैरह करने के बाद फ्रेंड्स आ गई थी मैं किचन में, तो देख सकते हो आप मेरे किचन की हालत जो है कैसी कर दी है। ये बनाते तो हैं लेकिन ना किचन फैलाते बहुत ज़्यादा है, तो ये देखो सारा सामान जो इधर से उधर फैला रखा है। तो अब मैं ये सारा सामान समेटूंगी और अपने किचन की जो है क्लीनिंग करूंगी, क्योंकि सारा मेरे को ना बहुत ज़्यादा ना फैला फैला लग रहा था और बहुत ज़्यादा गंदा सा लग रहा था। सारे जगह ना घी तेल वगैरह ना मतलब बना देते हैं और ना सारी जगह घेर देते हैं। तो अब मैं इसको करूँगी सारा साफ़, और ये आटा जो है मेरा बच गया वो उठा के रख दूँगी। दोपहर वगैरह में खाएँगे तो वो रोटी बना लूँगी मैं जब, तो चकला बेलन पहले भिगो दूँगी। उससे पहले अपनी गैस ही मैं साफ़ करूँगी। बर्तन तो थोड़े से ही, बर्तन ज़्यादा नहीं है, और ये जो मेरी टोकरी में रखे हैं बर्तन इनको भी लगाना बाकी है अभी। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं ये ना निकालने लगी थी अपना आटा, जो आटा लेकर आए थे ना, मतलब सुबह पैकेट खोला था और निकाला नहीं था डब्बे में, तो अभी मैं इस आटे को डब्बे में अपने मतलब डाल दूँगी इस ड्रम में। और इसी के साथ आज का ब्लॉग भी एंड करती हूँ। आई होप आज का वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो भी फ्रेंड्स न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरे जो भी वीडियोस आगे आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।